गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड एमएड की पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें 12 तलबा व तालबात को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन प्रोफेसर जमीर अहमद खोसा थे। उनके अलावा तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोहेल, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जकिया रूबी, शहजाद मलिक भी मौजूद थे। इस मौके पर जमीर अहमद खोसो, सुहेल रहमान और स्टूडेंट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीका अली है और मैंने एमएड में लास्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इस कॉलेज से, और इसका क्रेडिट मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला को शुक्र देना चाहूँगी कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आज इस मकाम पर पहुँची हूँ, और दूसरा अपने असातिज़ाए कराम को, उनकी अगर मेहनत और उनका साथ, उनका तआवुन नहीं होता, उनकी गाइडेंस, उनकी सुपरविजन नहीं होती, तो डेफिनेटली इस मकाम तक नहीं पहुंच पाती। मैं तो सबसे पहले भी कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने 4 सालों की कारकर्दगी पे हमें इनवाइट किया और हमें याद रखा, और सेकंड मैं यही कहूंगी कि आज भी जो है हमारे यहाँ फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और जो पोजीशन होल्डर हैं हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको इस पर वर्क करना चाहिए, उन्हें जॉब ऑफर करनी चाहिए। एक आम सिंपल पास स्टूडेंट में और पोजीशन होल्डर में कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए, उन्हें जॉब ऑफर होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेरिट के ऊपर अभी भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये जो जॉब्स होती हैं इन पे सिर्फ और सिर्फ जो उस वक्त जो रिज़ल्ट अनाउंस होता है वो, मतलब जो हमारी पिछली कारकर्दगी है वो बेस नहीं करती, सिर्फ जस्ट जो हमारा टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू होता है उसको प्रीफर किया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर काम करना चाहिए, हमारी डिग्रीज़ को देखना चाहिए, हमारी नंबर्स को, जिस फील्ड का बंदा है उसको उसी फील्ड में रखना चाहिए। आखिर ऐसा हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग खुद नहीं चाहते हैं एजुकेट होना चाहिए, लेकिन एक बात है, एजुकेशन ही वाहिद रास्ता है जो आपके ड्रीम जितने भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सीपैक का मंसूबा शुरू हो गया है, आपके पास फिल्म प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो उससे आप जो है फ़ायदा उठा के अपने मुल्क को खड़ा कर देंगे, तो उसके लिए भी जो है आपको एजुकेशन की ज़रूरत होगी। कैमरामैन मोइस के साथ शहजादा मोइनुद्दीन, जोश न्यूज़, कराची।